हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर है जो सिंगल डोर का है। इसकी क्या है, जो एपोरेटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल है और इसके एपोरेटर में बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो इसी वजह से अगर ऑयल ज़्यादा है तब आप उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ये जो कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पे क्या है, हमने पिन वाल लगा लिया। ये जो पिन वाल है, पिन वाल कैपिलरी ट्यूब में लगा दिया, उसके बाद पंच किया, उसके बाद हमने इसको सोल्डिंग कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एयर प्रेशर देंगे, ठीक है। यहाँ कंप्रेसर देख रहे हैं, यहाँ पर कंप्रेसर है, कंप्रेसर को क्या करना है, ऑन करना है, उसके बाद जो प्रेशर होगा। अब कैपिलरी ट्यूब में जो हमने पिनवाल लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर होता है वो हल्के हल्के प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ से जो प्रेशर होगा और जो भी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी ऑयल होगा वो प्रेशर के जरिए से सारा ऑयल यहाँ सेक्शन की जो सेक्शन वाली लाइन है यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली वो भी दिखा दूंगा। और आप देख रहे हैं अभी मैंने ये जो ऑयल है बहुत सारा ऑयल निकला है इसके अंदर, तो आप इसी तरीके से ये ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से क्या करना है, जो प्रेशर है डिस्चार्ज वाला जो कंप्रेसर में लिया है, मैंने एक चार्जिंग ने डायरेक्टली लगा दी, वरना आप गेज भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने डायरेक्ट लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नाइट्रोजन से और ज़्यादा अच्छे से ये प्रेशर जो आप प्रेशर देंगे बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रेशर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और यहाँ पर जो होता है और आपका ऑयल सारा बाहर निकल जाएगा। बट आपके पास अगर नहीं है नाइट्रोजन तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर लें जो जिससे एयर डालते हैं, ठीक है। कंप्रेसर लेना है आपको, प्रेशर पंप, उसके बाद यहाँ से चार्जिंग लगाना और ये जो है पिन वाल यहाँ पर एक चार्जिंग लाइन लगा देना, ठीक है। उसके बाद आप कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और इसका जो प्रेशर होगा वो यहाँ से जाएगा फिर एपोरेटर में होके सीधा, फिर ये जो सेक्शन वाली लाइन है यहाँ पर आपका ऑयल बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं और ये जो है ऑयल सारा निकल जाएगा इससे। और अगर नाइट्रोजन है आपके पास तो और अच्छी बात है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का ही मैं सजेशन दूंगा कि नाइट्रोजन हो तो ज़्यादा अच्छा है। नाइट्रोजन से अच्छे से ये जो इसके एपोरेटर के अंदर ऑयल है और कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऑयल है वो सारा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो ऑयल बहुत ज़्यादा था इसी वजह से यहाँ पर कूलिंग की प्रॉब्लम थी इस रेफ्रिजरेटर में, और कूलिंग ये ठीक नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, इससे हम सारा प्रेशर निकाल देंगे, उसके बाद इसका जो सेक्शन वाला पाइप है यहाँ से सारा ऑयल बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सब कुछ काम जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, यहाँ पर हम सोल्डिंग कर देंगे, बाकी पिन बॉल वगैरह सब लगा देंगे। अभी हमने इसको फ्लैश कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे और इसका जो हीटिंग कंडेंसर है इसको भी हम फ्लैश कर लेंगे, यहाँ से भी जो ऑयल होगा इसके अंदर। तो आप इस तरीके से ऑयल जो होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इस जो रेफ्रिजरेटर है इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो ये हो रही थी कि यहाँ पर कूलिंग नहीं कर रहा था। आप इस तरीके से इसका जो ऑयल है उसको बाहर निकाल सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।